गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये पोएम हम लोग पढ़ चुके थे ना, और ये होमवर्क में हो भी चुका है आप लोगों का। आज हम करेंगे ये शब्द टेंस के ना, ये आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए आप लोग। यहाँ पर मैंने डाल दिया पार्ट पाँच, सबसे सीखो। ठीक है, एक साइड में हम लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। यहाँ हम डालेंगे शब्द और यहाँ डालेंगे हम उसका अर्थ। ठीक है, चलिए शब्द क्या है, नित। नाम है छोटे का मतलब नित, नित नित यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज, प्रतिदिन। ठीक है ना, दूसरा वर्ड है तरु। तरु तरु यानी पेड़, पेड़ को तरु भी कहा जाता है। उसके बाद है डालियों, जमला कहते हैं लामे छोटी की माता या में ओ की माता बिल्ली, डालियों। ठीक है, डालियों का मतलब है टहनियाँ, जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की से डालियाँ भी कहा जाता है, टहनियों। अब अगला वर्ड है हमारा मंजिल। मन ज में छोटी की बताइए जी, ल मंजिल। मंजिल का होता है हमारे लक्ष्य, लक्ष्य यानी हमें अपने जीवन में क्या करना है, ये लक्ष्य। अगला वर्ड है जग। जग यानी संसार, संसार तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, संसार। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट वाला वर्ड है राह। राह यानी रास्ता। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आज हमने किया है, ये शब्दार्थ, ये ना ये सारे शब्दार्थ हम लोग कॉपी में करेंगे। अब इसके बाद हम एक एक्सरसाइज और करेंगे आज। ये ले बेटा, पेज नंबर है ये पेज नंबर 20, और ये वाली करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है, कविता के आधार पर शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी पोएम तो हमने पढ़ी है, उसके आधार पर यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो ये इन ऑप्शंस में ही चुनकर यहाँ पे सही शब्द हमें भरना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, नंबर वन है हमारा डैश की बोली, यहाँ पे खाली जगह। ठीक है, ये खाली जगह है, की बोली से सीखो, की बोली बोली से सीखो, से सीखो जगना और जगाना, जगना जगना और जगाना यानी खुद भी उड़ जाना और दूसरे को भी उठा देना। तो
इस बात की प्रेरणा हमें कौन देता है? देखिए यहाँ ऑप्शन में है हमारे, पहला तो चींटी, चींटी हमें उठाती है सुबह आके, या यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मुर्गे। डैश की बोली से सीखो जगना और जगन। तो बेटा चींटी की बोली तो आज तक हम लोगों ने सुनी ही नहीं है, है ना? किसकी बोली हमें सुनाई पड़ती? मुर्गे की। तो यहाँ पे आएगा मुर्गे, ठीक है, मुर्गे। यह मुर्गे की बोली से सीखो जगना और जगाना, ठीक है। अब अगला क्या है? डैश से हम सब सीखें ऊंची मंजिल पाना। फिर से डैश हम बनाएंगे, से हम सब सीखें, ठीक है, ऊंची मंजिल मंजिल पाना। तो किससे हम सीखेंगे? हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है बेटा, एक ऑप्शन है धुएं से, ठीक है, दूसरा है सूरज। डैश से हम सब सीखें ऊंची मंजिल पाना। तो किससे हमें ऊंची मंजिल के ओ जाने की प्रेरणा मिलती? हमें धुएं से मिलती, क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर ही उठता है, कभी भी धुआं नीचे की तरफ नहीं आता। तो यहाँ पे आएगा धुएं, ठीक है, ये धार है, ठीक है, धुएं से हम सब सीखें ऊंची मंजिल पाना। नंबर थर्ड हमारा कौन सा है? फिर डैश बनाएंगे हम पहले खाली जगह, और बाती से सीखो सबको सबको राह दिखाना। राह यानी रास्ता, ठीक है। तो रास्ता हमें कैसे दिखेगा? दिखाना, हमें रास्ता कौन दिखाएगा बेटा? डैश और बाती से सीखो सबको राह दिखाना, यानी किससे? दो ऑप्शन हमारे पास, एक तो प्रकाश, ठीक है, दूसरा कौन सा? दिया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? दिया। दिया जो होता है वह हमें रोशनी दे, दिया और बाती से सीखो सबको राह दिखाना, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला हम लोग करें, फिर आगे है खाली जगह, हम ब्लैंक बना देंगे। फिर उसके बाद है क्या? की किरणों से सीखें, ठीक है, किरणों से क्या सीखें? जग यानी संसार कर जाना, जगमग जग कर जाना। अब हमें कौन हमें संसार को जगमग करने की प्रेरणा देता है? दिया, एक ऑप्शन तो दिया है, दूसरा हमारे पास है सूरज। तो सारे संसार को तो सूरज की किरणें ही रोशनी देती हैं, तो यहाँ पे आएगा सूरज, ठीक है, ये सूरज ऑप्शन जो है यहाँ पे आएगा सूरज। सूरज की किरणों से सीखें जगमग जग कर जाना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये आया, तो यहाँ अंडरलाइन कर दे जैसे आपको सुविधा हो, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन किया, इसमें क्या दिया आएगा ना, तो हम ये दिया को अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने किया था ये गला हमने किया था ना मुर्गे वाला, तो यहाँ पे हम मुर्गे को अंडरलाइन कर देंगे, इसे हमें समझने में आसानी होगी। और ये धुएं यहाँ पे है, तो हम ये धुएं को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है ना बेटा। ये चारों ऑप्शन इसमें ब्लैंक्स में भरे जाएंगे। ये काम आपका क्लास वर्क ही अभी आपको करना है, ठीक है ना। एक तो शब्द अर्थ हमने किए हैं अभी ना, ये शब्द अर्थ अभी करना है, और उसके बाद ये
एक्सरसाइज आपको करनी। और होमवर्क मैं आपको बता रही, होमवर्क बेटा किसी को अभ्यास कार्य को याद करना, यानी अभ्यास कार्य यानी जो आज हमने पढ़ा है उसको हमें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो यही होमवर्क दे रही, अभ्यास कार्य याद करिए। कौन सा चैप्टर है आपको तो पता ही होगा, ठीक है। लिख देती हूँ मैं पाठ 5, ठीक है। पाठ 5 के अभ्यास कार्य याद करिए, ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू बेटा।